हर हर महादेव। तो पिछली वीडियो में हमने कराया आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन, और दर्शन करके हम निकल पड़े अपने अगले सफ़र में जो कि था माना विलेज। तो चलिए इस वीडियो में कराते हैं आपको माना विलेज के दर्शन और दिखाते हैं माना विलेज दिखता कैसा है। तो अब हम निकल गए हैं माना विलेज की ओर अपनी बद्रीनाथ की भगवान के बद्री के दर्शन करके। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क भी साथ साथ चल ही रहा है, धूल धूल बहुत उड़ रही है। तो अब देखते हैं माना कब तक पहुँचते हैं और माना में कुछ खाएंगे पियेंगे, अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो ये है इधर का माहौल और व्यू तो बहुत ही गजब है। तो अब मेरे दो धाम पूरे हो गए हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब बचे हैं यमुनोत्री और गंगोत्री, भगवान ने चाहा तो अगले साल वो भी पूरे हो जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट इंडियन विलेज माणा में, और ये है माणा का बड़ा सा बोर्ड, लास्ट इंडियन विलेज सीमा ग्राम माणा वेलकम। तो चले माणा की ओर। तो गाइस हम पहुंच गए माणा लास्ट विलेज, लास्ट इंडियन विलेज, और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, सबको दिखाएंगे सारी चीज़ें, जैसे भीम का पुल, व्यास वैली, गणेश भगवान का मंदिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है, तो ऐसा दिखता है माना। ये है लास्ट इंडियन विलेज माना। वाओ, अभी हमने किया खाना ऑर्डर, दिखाते खाने में क्या क्या है। अरे अरे एक सेकंड यार, उसको जाओ, ये है मोमो, बढ़िया चलो। तो यहाँ हमें दिखा उत्तराखंड का राज्य फूल ब्रह्म कमल, और पूरे दीवार में जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते गए बहुत ही सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई थी गांव वालों ने, और गांव को बहुत साफ सुथरा रखा था। और उस टाइम पे था आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो हर तरफ तिरंगे की पताकों से सब पूरा गांव सजा हुआ था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए अलग अलग दीवारों में हमें अलग अलग दृश्य देखने को मिले, और गांव काफ़ी सुंदर था। तो आपसे अनुरोध है जब भी आप जाएं तो उसको वैसे ही साफ़ सुथरा रखें। यहां से थोड़ा आगे बढ़ के हमें मिला एक डाइवर्जन, जिसमें अगर हम लेफ़्ट लेते तो हम जाते भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग, और अगर राइट लेते तो हम जाते गणेश गुफा और व्यास गुफा की ओर। तो पहले हम बढ़े गणेश गुफा की ओर, और कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया था और उनसे अनुरोध किया था कि आप महाभारत के लेखक बने। तो यह सुनकर गणेश जी ने उन्हें उत्तर दिया था कि व्यास जी, अगर लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बनूंगा। और व्यास जी ने फिर उत्तर दिया कि आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। यह सुनकर गणेश जी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और महाभारत जैसे ग्रंथ को यहाँ पर उन्होंने लिखा। गणेश गुफा से आगे बढ़ के हम पहुँचे व्यास गुफा की तरफ, और हमें मिले रास्ते में भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो जो कोई भी यहाँ आए यहाँ चाय जरूर पी के जाए और अपने साथ ढेर सारी यादें लेके जाए। इसी के निकट थी व्यास गुफा, और व्यास गुफा का यह महत्व है, यह गुफा 5,500 साल पुरानी है, और यहाँ बैठ के व्यास जी ने 17 पुराण लिखे थे और उनसे संतुष्ट ना होके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिखा था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे व्यास पोथी कहा जाता है, पोथी का मतलब होता है एक मोटी किताब। तो आप देखेंगे तो ये चट्टान एक मोटी किताब की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम व्यास पोथी है। वहाँ से आगे बढ़ के हम पहुँचे सरस्वती माता के पास, और यह आप देख सकते हैं यह सरस्वती नदी है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब गणेश भगवान महाभारत लिख रहे थे तो उनको इनके शोर से दिक्कत हो रही थी, उन्होंने इनसे अनुरोध किया कि आप थोड़ा शांत हो जाए, अपने वेग को कम कर लें। बट सरस्वती माता ने उनकी नहीं सुनी, इसलिए गणेश भगवान ने उन्हें श्राप दिया कि आप यहाँ के अलावा कहीं और नहीं पूजी जाएंगी, और यहाँ से आप सीधे पाताल लोक में जाएंगी। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से नदी सीधे पाताल लोक में जाती है और आगे जाके बहुत शांत हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें दिखा भीम पुल, जिस पुल से हम आए वह भीम पुल ही था, और यह माना जाता है कि पांडवों में सबसे बलशाली भीम ने यह पत्थर यहाँ पे रखा था ताकि वो नदी पार कर सके। तो यह पूरा एरिया कहलाता है भीम पुल।
इसी रास्ते में आगे चल के 5 किलोमीटर में पड़ता है वसुधारा फॉल, और उसके बाद लग जाता है तिब्बत बॉर्डर। तो अगर कोई यात्री वहाँ घूमना चाहे तो वसुधारा फॉल्स भी जा सकता है। और इसी के जस्ट बगल में थी एक और भारत की अंतिम चाय की दुकान, और उस पर लिखा था ये 1962 से यहाँ पे है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखते मैं इतना खो गया कि मैं अपनी मित्र मंडली से ही दूर हो गया, और मेरी मित्र मंडली को लगा कि शायद मैं कहीं खो चुका हूँ, और उनने मुझे कुछ इस तरह ढूंढा। ये देखिए, लोने कहाँ है? और पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ से शुरू होता है हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का रास्ता। तो यह है पुलना, यहाँ से जाते हैं पुलना। पुलना ऐसे पड़ता है 4 किलोमीटर। तो बस यही है, अभी इंतज़ार कर रहे हैं बाकी साथियों का, फिर बढ़ते हैं आगे। ये बोर्ड आप देख सकते हो, यहाँ से हमें इधर जाना है। ठीक, ये यहाँ पर लिखा रहेगा कि कब बनी है यहाँ पर सड़क पुलना तक की। तो आई थिंक ये रिसेंटली बना है, कि इसमें मई 2022 लिखा है, और अगला जो कुछ और काम लिखा है 2026 तक होना है। तो यही है बस, और यहाँ से हम अब जाएंगे आगे। चलो आगे मिलते हैं। तो अभी हम आए हैं योग बद्री मंदिर में। ये सप्त बद्रियों में से एक बद्री है। तो हम जल्दी पहुँच गए थे गोविंद घाट, और आगे हमें जाने नहीं दिया, तो उन्होंने बोला 2 बजे तक ही अलाउड है। तो हम कल जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। मैंने कहा टाइम का सदुपयोग करते हैं, नहाया धोया और हम आ गए योग बद्री में। तो मेरा सप्त बद्री में से एक बद्री भी कवर हो जाएगा, तो आपको दिखाता हूँ कि मंदिर है कैसा। और ये है आसपास का व्यू। अभी बज रहे हैं कुछ 7 के आसपास, और उजाला तो बहुत है। तो ये है रोड, ये रोड आगे जाएगी सीधे बद्रीनाथ। तो चलो आगे मिलते हैं मंदिर में। है योग ध्यान बद्री, सप्त बद्री में से एक। यहाँ बज रहे कोई गाने। अभी हम आए हैं गुरुद्वारे में, गोविंद घाट में। तो यहाँ पे है गुरुद्वारा, ऐसा है। वाओ, अमेजिंग, क्या मस्त लग रहा है, काफ़ी बड़ा है। फिर सामने है ब्रिज, एक ब्रिज जा रहा है, दिखने रहा, आगे से दिखाता हूँ। चलो आगे देखते हैं। दिखाता हूँ हम कहाँ रुके कहाँ हैं। तो हम गोविंद घाट में रुके हैं, हमने 3 रूम लिए हैं। तो ये हमें 2500 अराउंड पड़े हैं। हम आपको दिखाता हूँ हमारा रूम कैसा है। तो ये है, इधर 2 लोग सो सकते हैं, एक इधर पे। तो ये रूम है, रूम तो ठीक है, मेरा सामान वामान पड़ा हुआ है इधर। ये वॉशरूम है। सुबह पहले जाएंगे पुलना विलेज शेयर्ड कैब से, फिर वहाँ से जाएंगे आगे ट्रैक करते हुए 8 किलोमीटर घंघरिया तक। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब आगे आप मिलते हैं, आप दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। आई होप ये सब आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर करना क्या चीज़ पसंद नहीं आई, क्या चीज़ पसंद आई, और अपना फीडबैक ज़रूर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।